गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और अब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये कुछ सामान ले आए थे हस्बैंड, तो मैं इसको सबसे पहले तो जगह पर रखूँगी और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके जी, तो मैं सुबह उठ गई थी तो मैंने अपने बर्तन फिनिश कर लिए थे, झाड़ू भी लग गया था और बची है ये स्टोव की ऑयल चेंज करना बाकी है। और उसके अलावा जो है ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। झाड़ू तो लग गई है लेकिन यहाँ सब बिखरा हुआ है और कपड़े भी धुल गए हैं, उनको भी तय करके डालूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, तब मैंने अपनी स्टोव की फॉइल चेंज कर ली है और अब ये वाला थोड़ा सा कॉर्नर मैं साफ कर लेती हूँ और बस। तो अब बर्तन भी धुल गए हैं, स्टोव पे फॉइल भी चढ़ गई है और ये वाला कॉर्नर भी साफ हो गया है। ये वाला मैट्रेस आपको याद होगा, ये हमने सोफ़ा कम्बैट ऑर्डर किया था, काफ़ी पतला था और फिर इस पर बैठ बैठ कर ये काफ़ी और ज़्यादा पतला हो गया, तो उसको हमने अपने बेड के ऊपर डाल दिया था। मैंने आपको बताया था कि उसके स्प्रिंग काफ़ी चुभते हैं तो ऊपर डाल दिया था। तो अब हमने जो है नया मैट्रेस ले लिया है, तो हमने ये रख दिया है अलीशा के लिए, क्योंकि कभी वो यहाँ सो जाती है कभी वो वहाँ सो जाती है, तो कहीं भी उसके लिए ये डालना इजी हो जाए कि उसको कोई परेशानी ना हो। तो ये इस वजह से यहाँ रखा है क्योंकि कल अलीशा यहीं सोई थी। और तो ये है, इसको भी हम जगह पे रखेंगे और कपड़े भी तय करेंगे तो थोड़ी सी सफाई करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और थोड़ी देर के बाद अब मैं सफाई करूँगी। तो यहाँ पर अलीशा की वॉकर रखी हुई है, प्रैम रखी हुई है और टॉयज़ रखे हुए हैं और अलीशा का ये मैट्रेस रखा हुआ है। तो सबसे पहले अलीशा के टॉयज़ को सेट करेंगे और अलीशा के टॉयज़ जो हैं उनकी कबर्ड में रखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है इस कॉर्नर में, तो सबसे पहले मैं वो करूँगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि साफ हो गया है, यहाँ से अलीशा की टॉयज हट गए हैं, सिर्फ बॉल्स रखी हैं और ये सोफ़ा कम्बेड मैंने यहाँ लगा दिया है। ये आया तब भी इसी तरह था लेकिन थोड़ा सा ऊंचा था, लेकिन अब ये थोड़ा सा बैठ गया है तो इसलिए रख लिया है क्योंकि ठंडी ज़मीन होती है, अलीशा खेलती है तो अलीशा यहाँ पर आराम से खेल सकती है और रात को सोने के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर किसी को यहाँ सोना हो तो वो आराम से सो सकता है। गाइस, तो कल का व्लॉग मैंने वहीं स्टॉप कर दिया था, तो मैंने सोचा था कि कल के दिन मैं दूसरे दिन उसको कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था बलाज के चेकअप के लिए, तो सोचा था कि कल ही कंटिन्यू करूँगी लेकिन जो है कर ही नहीं सकी क्योंकि सुबह सुबह जाना था और बिल्कुल भी जो है ना मूड नहीं हो रहा था।
तो सोचा कि घर आके करूँगी, लेकिन घर आके जो है कामों में लग गई और फिर थकी हुई थी तो सो गई। उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो थोड़े और काम आ गए। तो अब मैंने स्टार्ट किया, तो ये मैं कुछ कपड़े लेके आई थी जब मैं बाहर गई हॉस्पिटल के लिए, तो थोड़ा सा मैं मार्केट भी चली गई थी और मैंने जो है बाराज के लिए कुछ ड्रेसेस लिए हैं, तो ये ले लिए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। इसमें जो है एक ये सी ग्रीन सा कलर है, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन सी ग्रीन सा कलर है। उसके अलावा एक ये है जिस पे लीव्स और टाइगर्स बने हुए हैं। हाँ वेट, तो इस पे ये वाला प्रिंट है कि लीव्स हैं और टाइगर्स बने हुए हैं। उसके अलावा एक ये ग्रे कलर का है, उस पे भी जो है ये बस ये इतना सही लीव और टाइगर बना हुआ है। एक ये लाइनिंग वाले हैं जिसपे तीन चार कलर की लाइन है, लाइंस हैं, और एक ब्राउन एंड वाइट है, और एक क्रीम कलर का है उसके ऊपर ब्राउन कलर से जो है ना कार्टून्स बने हुए। तो ये सिक्स ड्रेस मैं ले आई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। तो बस यही था, यहीं तक का मेरा ब्लॉग था। जानती हूँ बाला जुड़ गए हैं, जानती हूँ कि ये छोटा सा ब्लॉग है, लेकिन जो है चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ डालती रहूँ, भले छोटा ही सही लेकिन डालती रहूँ। तो बस यहीं तक का ब्लॉग था। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।